किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार, 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट दिन भर सिर्फ यूपी तक पर। कहा जाता है कि प्यार किसी सरहद को नहीं देखता, कोई धर्म कोई भाषा किसी संस्कृति का मोहताज नहीं होता। ये बात एक बार फिर से साबित हो गई जब बिहार का दूल्हा और जर्मनी की दुल्हनिया एक साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। इस अनूठी शादी का साक्षी बना बिहार का नवादा जिला। दरअसल नवादा के नरहट प्रखंड के बेरोटा के संतेंद्र कुमार और जर्मनी की लारिया बेल्स हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधे। दोनों स्वीडन में एक साथ शोध कर रहे थे। नवादा जिले के नरहट प्रखंड का दूल्हा और जर्मनी में पली बड़ी लारिया को न तो हिंदी आती है ना ही वह विधि विधान जानती है, लेकिन जब विवाह समारोह शुरू हुआ तो उसने वह सारी रस्में निभाई जो एक हिंदू दुल्हन अपनी शादी के वक्त करती है। उपटन लगाने से लेकर वर पूजन तक उसने सारी रस्में दुल्हन के रूप में बखूबी निभाया। बता दें कि लारिया अपनी शादी के लिए स्पेशल वीजा लेकर इंडिया आई हैं और शादी के लिए उनके माता पिता को वीजा नहीं मिल पाया, इसके चलते वो शादी में शरीक नहीं हो पाए। जबकि दूल्हे की तरफ से बात करें तो सत्येंद्र की पूरी फैमिली और गांव वाले भी इस शादी में शरीक हुए। राजगीर स्थित एक होटल में शादी की सारी रस्में अदा की गई। मिली जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र कैंसर के शोध करने के लिए स्वीडन गए थे। वो वहां स्किन कैंसर पर शोध कर रहे थे जबकि लारिया प्रोस्टेट कैंसर पर रिसर्च कर रही थी। दोनों 2019 से प्यार में थे और करीब 3 साल बाद इंडिया आकर इन्होंने शादी का प्लान किया। हालांकि इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने दूल्हा दुल्हन से बात करनी चाही तो उन्होंने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। बता दें कि शादी रचाने वाले सत्येंद्र कुमार बेरोटा निवासी विष्णुदेव महतो और श्यामा देवी के बेटे हैं। इस शादी से सत्येंद्र के परिवार वाले काफी खुश हैं। अब भाई कहा जाता है ना कि जब प्यार सच्चा हो तो प्रेमी 7 समंदर पार करके भी अपने चाहने वाले के पास पहुंच ही जाता है, तो कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के नवादा के सत्येंद्र के साथ। ये थी नवादा से प्रतीक भान की रिपोर्ट। आप देख रहे थे बिहार तक।